السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. महतरम नाजरन मोहतरम साम इस अहम प्रोग्राम और अहम सीरीज़ जो ख़ुलास क़ुरान के नाम से आपके सामने पेश की जा रही है इसमें हम तमाम का इस्तबाल है इन शाला पारा नंबर एक का ख़ुलासा आपके सामने पेश करेंगे पारा नंबर एक से पहले सुर फ़ात अल्लाबालमीन ने जिक्र किया है सूर्य फ़ाहा़ की क्या अहमियत है क्या फ़ज़ीलत है और इसके अंदर कौन कौन सी बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की हैं यह हम में से हर एक को अच्छी तरीके से मालूम है सूरह फातिहा के अहमियत के तल्ल से प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान किया ला सलात कियाम यकरा फ़ातह तिल किताब कि उस शख्स की नमाज ही नहीं होती जो सूरह फातिहा ना पढ़े चाहे वो इमाम हो या मुख्तिय हो चाहे जमात के साथ पढ़े या अकेले पढ़ रहा हो चाहे मर्द या औरत कोई भी हो सूर फ़ाहा नमाज के हर हर रकात में पढ़ना ज़रूरी है कम्पलसरी है ये सूर फ़ाहा की अहमियत के लिए काफ़ी है और उसके अलावा आप जानते हैं सूर फ़ात के अंदर अल्लाह की तोहीद का तस्करा है बंदा इसके अंदर अल्लाह रब्लम से कुछ मांगता है और अल्लाह से सरत मस्तकम का सवाल करता है और ये सौर इतनी अहमियत के हामिल है कि अगर आप ये शौरा पढ़ कर मरीज़ पर दम करते हैं खुद अपने ऊपर दम करते हैं तो इस सूरा की बरकत से अल्लाह आपको बीमारी से शिफा दे देता है उसके बाद सूर्य बकरा का आगाज होता है जो कुरानी मजीद की दूसरी सूरा है इस सूरा के अंदर अल्लाह आलमीन ने सबसे पहले कुरानी मजीद का मकाम बताया है कि लिखल किताब अलाफी यह किताब ऐसी है कि जिसमें कोई शक व शुबा नहीं और फिर उसके बाद अल्लाह ने जो सबसे पहली बात बयान की इस कुरान के अंदर वो ये कि हदलियों के लिए हिदायत है यानी कुरान मजीद ये दुनिया की सबसे बड़ी आखिरत की सबसे बड़ी कामयाबी आपको दे सकती है और वो हिदायत है यानी अगर आप ये देखें कि सबसे बड़ी कामयाबी क्या है तो वो हिदायत है और सबसे बड़ी नाकामी क्या है कि इंसान वलालत के रास्ते पर चला जाए इसीलिए अल्लाह ने इस शुरा की इब्तिदा में कुरान की इब्ता में इंसानों की हिदायत और गलालत के एतबार से तीन किस्में बताई हैं आयत नंबर तीन से लेकर आयत नंबर बीस तक अल्लाह ने पहले ईमान वालों का मुतकीयों का तस्करा किया और कहा कि ये लोग कामयाब हैं तो उसके बाद अल्लाह ने काफिरों का तस्करा किया और कहा ख़त्म अल्लाह क्लूब इमस इमसारम्शा वल्म अदाब नाज़ीम कैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा अज़ाब अल्लाह ने तैयार कर रखा है फिर तो उसके बाद अल्लाह ने मुनाफिकों का तस्करा किया आप पढ़ें कुरान मजीद मैं आपके सामने खाली तस्करा कर रहा हूँ कि अल्लाह ने कौन कौन सी बातें बयान की है अलग अलग मिसालों के ज़रिए अल्लाह ने मुनाफिकों का तस्करा किया और कहा कि मुनाफिक ये समझते हैं कि अल्लाह को धोखा दे रहे हैं या अल्लाह को धोखा नहीं दे रहे हैं अपने आप को धोखा दे रहे हैं और क़यामत के दिन ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है फिर उसके बाद अल्लाह ने कुर मजीद के अंदर जो सबसे पहला हुक्म बयान किया है वो क्या है जिस मकसद के लिए हमें दुनिया के अंदर भेजा गया है उसी का हुक्म अल्लाह ने दिया रब्बकुम ऐ लोगों अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया क्यों इबादत करें लाखम तकौन ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ ये आयत नंबर इक्कीस में अल्लाह ने जिक्र किया फिर आयत नंबर तेईस में अल्लाह ने इस कुरानी मजीद के इस किताब के ताल्लुक़ से जो मशरकिन का कुफ़ार मक्का का एतराज़ था कि ये तो इस बंदे ने यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से गढ़ लिया है तो अल्लाह ने कहा चैलेंज है तुम्हारे लिए व इनकुन तुम फेरा बिम्मा अला अब्दीना فاتو بسوره من مثلي કે અગર તુમે ઇસ કિતાબ કે બારે મે જો હમને અપને bande પર નાઝિલ કિયા અગર શક હે કોઈ ડાઉટ હે તો એક કામ કરો ફાતુ બસુરત મિન્ મિથલી તુમ ભી જેસી એક સૂરા પેશ કર દો ઓર જિસકો ચાહો અલ્લાહ કો છોડકર બુલા લો અગર તુમ અપને દાવે મે સચ્ચે હો ફઇલમ તફઅલુ વલન તફઅલુ અલ્લાહ ને કહા કે અગર તુમને નહીં કિયા વલન તફઅલુ ઓર કર ભી નહીં સકતે તો ક્યા કરો ફતકુન નારલ્લતી વકુદુહાનનાસ વલ હિજારા तो उस जहन्नम से डरो बचो जिसके ईधर इंसान और पत्थर हैं जो काफिरों के लिए तैयार की गई है फिर उसके बाद अल्लाह आलमीन ने आयत नंबर तीस से लेकर सैंतीस तक हजरत आदम सलाम की तख्लीक का तस्करा किया है फरिश्तों के सवाल का तस्करा किया है अल्लाह के जवाब का तस्करा किया है और किस तरीके से इल्म की बिना पर हजरत आदम सलातो व सलाम को तमाम फरिश्तों पर फौकियत मिली तमाम मखलूक पर फौकियत मिली और फिर अल्लाह ने इस बात का तस्करा किया कि हमने फरिश्तों से कहा कि आदम का सजदा करो उस हुक्म में इबलीस भी शामिल था हालांकि इबलीस फरिश्ता नहीं था लेकिन इबलीस ने सजदे से इनकार कर दिया अल्लाह ने उसे जन्नत से निकल जाने का हुक्म दिया लेकिन उसने हज़रत आदमी सलाम को वरगलाया बहकाया और हज़रत आदम और हज़रत हो सलातम उसके बहकावे में आ गए और जन्नत के उस दरख्त का फल खा लिया जिसके फल को खाने से अल्लाह हरब्आम ने मना किया था तो अल्लाह ने इन दोनों को भी ज़मीन पर भेज दिया और उसके बाद उसके बाद अल्लाह ने कहा कुल्ला बिखो मन जमे जाओ जन्नत से निकल जाओ ज़मीन पर चले जाओ और एक असूल एक रूल हमारा याद रखो फमन तब आहुदाया फ़ला अलैहिम वला हुम आलसन जो मेरी हिदायत की इत्तबा करेगा वो कामयाब होगा लेकिन जो इनकार कर दे झुटला दे हमारी आयतों को नार ऐसे लोग जहन्नमी नमी हैं और उसके अंदर हमेशा हमेश रहेंगे फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर चालीस से लेकर आयत नंबर तिहत्तर तक फोटी से लेकर सेवनटी थ्री तक अल्लाह ने बनी इसराइल की फ़ज़ीलत का तस्करा किया है क्या क्या इनामात अल्लाह ने उन पर किए क्या क्या एहसानात अल्लाह रबालमीन ने उन पर किए इन सारी चीज़ों का तस्करा किया और उसके साथ साथ अल्लाह ने इस बात का तस्करा किया कि हर नेमत को इन लोगों ने उसका गलत इस्तेमाल किया ज़ाय किया बर्बाद किया नबी पर तहमतें लगाईं अल्लाह के ताल्लुक से ग़लत बातें कहीं और जो कुछ अल्लाह ने दे रखा था उस पर कनात करने के बजाय अलग अलग चीज़ों का हजरत मूसी सलाम से मुतालबा किया इसी दरमियान अल्लाह हरबालमीन ने आयत नंबर एटी थ्री में तिरासी में आयत अल्लाह ने बनी इसराइल से जो एग्रीमेंट हुआ था अल्लाह ने जो उनसे अहदोपैमान किए थे कि तुम्हें क्या क्या, क्या करना है उन चीज़ों का तस्करा किया उनको पूरा करने की तलक़ीन की कहा कि अल्लाह की इबादत करना वालदे के साथ हुसन सलूक करना रिश्तेदारों का ख्याल रखना वक़ूल से हसना लोगों से महब्त के साथ अच्छाई के साथ बात करना व वाक़ी सला तवात ज़क़ा नमाज़ पढ़ना ज़क़़त देना ये सारे एग्रीमेंट जिस तरीके से बनी सराइल से थे ऐसे अल्लाह ने हमसे भी कर रखे हैं हमें भी ये सारे काम करने चाहिए अल्लाह की इबादत वालदे के साथ साथन सलूक लोगों से महब्बत के साथ बातचीत रिश्तेदारों के का ख्याल नमाज का क़्याम जकवात का अदा करना और रोज़ी की पाबंदी कुरान की तिलावत ये सारे काम अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे भी चाहता है हमें यह काम करना चाहिए फिर अल्लाह ने उसके बाद और कई बातों का तस्करा किया है अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का उनकी मदद का तस्करा किया है और जो भी उनके दुश्मन हैं अल्लाह ने इस बात का तस्करा किया कि जो प्यारे नबी का दुश्मन है वो अल्लाह का भी दुश्मन है वो फ़रिश्तों का दुश्मन है वो जिब्राइल का दुश्मन है वो मिकाइल का दुश्मन है फिर अल्लाह ने आयत नंबर 102 में अल्लाह ने आयत नंबर 102 में जादू का तस्करा किया है बाद लोग ये समझते हैं कि हजरत सलीमान सलाम जादू के बलबूते जन्नातों पर फ़ला 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 चीज़ों पर हुकूमत करते थे अल्ला ने कहामान सलेमान सलाम ने कुर नहीं किया यानी सलेमानसम ने जादू न सीखा न सिखाया जादू उनको नहीं आता था इसलिए कि जादू कुफ्र है और अल्लाह ने कहा सुलेमान साम ने कुफ्र नहीं किया अच्छा जादू प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बयान किया कि जादू सीखना सिखाना ये हराम है और जादूगर की सज़ा ये कत्ल है अगर इस्लामी हुकूमत हो इसलिए कि जादू के ज़रिए बड़े बड़े नुकसान होते हैं मियाँ बीवी में जुदाई होती है आपस में तफरक़ा फैलता है और बहुत सारी शोबदाबाजियाँ करके लोगों को गुमराह किया जाता है फिर आगे आयत नंबर एक सौ चार में अल्बल ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक़ाम बयान किया है और कहा कि मुसलमानों जिस वर्ड में भी जिस लफ्ज़ में भी या जिस लफ्ज़ के इस्तेमाल करने से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर हर्फ आता हो ऐसे लफ्ज़ के इस्तेमाल से, से भी अपने आप को बचाओ यहूदी राइना को मुंह टेढ़ा करके राइना कहते थे राइना का मतलब हमारा ख्याल करना और राइना का मतलब हमारे चरवाहे इन दोनों में बड़ा फ़र्क़ हो जाता है ज़ुबान के थोड़े से ट्विस्ट के ज़रिए बहुत बड़ा फ़र्क आ जाया करता था अल्लाह ने मुसलमानों को कहा ला लातुला ये लफ्ज़ इस्तेमाल ही मत करो हमारा ख्याल करो इसका लफ्ज़ इस्तेमाल ही मत करो बल्कि उसकी जगह पर कहो उन ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें भी देखिए हमारा भी ख़्याल कीजिए ये नबी का मकाम है कि जिस लफ्ज़ से नबी की इज़्ज़त पर हर्फ आता हो अल्लाह ने उस लफ्ज़ के इस्तेमाल से हम तमाम लोगों को मना कर दिया फिर इसके बाद अल्लाह ने एक और अहम बात ज़िक्र की है और इस बीच में अल्लाह ने नमाज़ रोज़ा बहुत सारी चीज़ों का हुक्म दिया और आयत नंबर 111 और 12 में यहूदियों और ईसाइयों की एक बात का तस्करा करते हुए हम मुसलमानों को एक पैगाम दिया कि यहूदी कहते थे कि जन्नत में सिर्फ यहूदी जाएंगे ईसाई कहते थे जन्नत में सिर्फ ईसाई जाएंगे अल्लाह ने कहा तिलका मानी उनकी आर्जुएँ हैं और सिर्फ आरजुओं से ख्वाहिशात से बात नहीं बना करती अल्लाह ने कहा भला मन असलम व जहूल्ला वम सिन जन्नत में कौन जाएगा जो ईमान ले आए अच्छाई के साथ ज़िंदगी गुजारे और अपने रब की मर्जी के मुताबिक अपने आप को चलाता रहे ऐसे बंदे को जन्नत में दाखिला मिलेगा फिर अल्लाह रबालमिन ने आयत नंबर एक में एक बहुत बड़ी चीज़ जिक्र की फरमाया वमन अजलमू ममन मसाजिद्लाफ़ी हसम वाफी ख़राबी कि उस शख्स से बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह की मस्जिदों में लोगों को जिक्र करने से मना करता हो अल्लाह की मस्जिद में आने से लोगों को मना करता आप देखें बहुत सारे लोग बोर्ड बाकायदा लगा कर रखते हैं कि हमारी मस्जिद में नहीं आना फला का दाखिला बंद फला का दाखिला बंद फला का दाख़िला बंद ऐसे लोग अल्लाह की नज़र में जालिम है व सयाफ ही खराब इसलिए कि वो तो मस्जिद का माहौल बर्बाद करने की तबाह तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 124 से 129 सौ उनतीस में हज़रत इब्राहीम आल सलाम का तस्करा किया व इब्तला इब्राहिम और अबू हूबिकलीफ़ात महन्ना के हज़रत इब्राहीम आल सलाम को अल्लाह ने तरह तरह से आजमाया लेकिन हर मैदान में वो कामयाब हुए और जब इम्तहान में खड़े उतरे तो अल्लाह ने कहा इन इनझा खन्ना सी इमामाई इब्राहिम हम आपको दुनिया का लोगों का इमाम बनाते हैं और आज देखें एक तिहाई से ज़्यादा दुनिया बल्कि दो तिहाई तक लोग चाहे वो किसी भी मजहब के मानने हो मानने वाले हो हज़रत होंज़रत सलाम की इज़्ज़त करते हैं उनकी उनको अहमियत देते हैं उनका मकाम समझते हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी ज़िंदगी उनकी सीरत को पढ़ते हैं फिर अल्लाह ने इसी बीच एक बात का तस्करा किया कि बाप और बेटे हज़रत इब्राहिम और हज़रत इसमाईल आ सलातम दोनों काबा की तमीर कर रहे हैं अल्लाह के सबसे अजीम घर की तमीर कर रहे हैं लेकिन इतना अजीम काम करने के साथ साथ ख़ुद नबी हैं रसूल हैं पैगम्बर हैं दोनों नेक हैं। उसके बावजूद अल्लाह से दुआ करते हैं रब बना तकबल मना इन नसमालिम ए हमारे रब हमारे इस नेक काम को कबूल कर लें बेश तो सुनने वाला जानने वाला है पता ये चला कि हम भी जब कोई नेक काम करें तो उसका ढिढोरा ना पीटें कि हमने आज ये किया वो किया वो किया बल्कि उसके कबूल होने की अल्लाह रबुलामी से दुआएँ मांगते रहें फिर अल्लाह ने इस पारे के आखिरी सफ़े पर इस बात का तस्करा किया है कि ईमान कैसा होना चाहिए यानी हमारा और आपका ईमान जो हम ईमान वाले हैं ना वो ईमान कैसा होना चाहिए फुरमा फ़ैन आमन मसलिमा आमन तुम भी फ़दी त दो के अभी के सहबा जैसे तुम ईमान लाए हो ऐसे ही अगर दुनिया के दूसरे लोग ईमान ले आएँ तो ये लोग हिदायत वाले हो जाएंगे पता ये चला कि अगर हमें हिदायत चाहिए जिसका तस्करा अल्लाह ने इस बारे के शुरू में किया तो हमें अपना ईमान सहाबा के ईमान के जैसा बनाना चाहिए फिर एक अजीम बात अल्लाह ने इस पारे की आखिरी आयत में जिक्र की जो आयत इससे पहले भी एक जगह अल्लाह ने जिक्र की है वो ये कि तिल का उम्मत मतन कद खलत लाह माँ का सबक किसी को बुरा ना कहे किसी को बुरा ना कहे खुद अच्छे बने और दूसरों को अच्छा बनाने की कोशिश करें जो गुजर गए कद खलत लाह माँ का सबक उन्होंने जो किया उस किए की सजा या उसकी का बदला उन्हें मिलेगा वालक माँ का सब तुम आप जो कर रहे हैं उसका बदला आपको मिलेगा वला वाला तोल्लू नाम मकानलोर कौन क्या कर रहा था उसके बारे में आपसे सवाल नहीं किया जाएगा आपसे आपकी जिम्मेदारियों के बारे में सवाल किया जाएगा इसलिए ख़ुद अच्छे बने दूसरों को अच्छा बनाने की कोशिश करें किसी की जात पर कीचड़ ना उछालें किसी पर इल्ज़ाम ना लगाएं किसी को बुरा भला ना कहें क्योंकि इसका हक़ अल्लाह ने आपको नहीं दिया है बल्कि इस चीज़ से आपको मना किया है ये था पारा नंबर एक का ख़ुलासा जो आपके सामने पेश किया गया इन कल हम आपके सामने अगली मुलाकात में पारा नंबर दो का खुलासा पेश करेंगे अल्लाह अल्ला हरबालमीन से दुआ है अल्लाह जो बातें हमने सुनी हैं उन बातों पर अमल करने की कुरान की तालीमत को समझने पढ़ने और उसकी उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तोफ़ी ख़दा फरमा आमीन सल्लाबीकरीमानाकब्ब मनाकदम वसलम वरहल वबरकू